कोई हमारा भाई उधर से अगर धनिया है तो हमें दे जाओ इधर आके, क्यों? वीजा का इंतजाम हम कर देंगे। अब या आज रात को हमें भालू खाएगा या हम भालू भालू का भालू हमारा अचार डालेगा आज। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है ना इधर, ये थोड़ा बैर वाला लिया है, भालू का मतलब आतंक है। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको लाइव टू एक्सप्लोर में स्वागत करता हूँ। लॉस एंजलिस में आके मुझे 4 महीने हो गए, समय यूं ही जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही जल्दी निकल जाए। 4 महीना हो गया लेकिन हम कैंपिंग नहीं किए, और जो कि मतलब मेरा फेवरेट है कैंपिंग। हमने आरबी लेके आए, गोगी जी आरबी लेके आए और उसके लिए तैयारी चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चैलेंजेस है जो कि मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उनका जो रेंज रोवर में हिंज लगाना इतना आसान नहीं है, टू डिफ़िकल्ट टास्क। अगर रेंज रोवर से करवाते हैं वो 7-8 हज़ार डॉलर का बोलते हैं, जो कि मतलब मानो 6-7 लाख दे के हिंज लगाना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन उसके ऊपर कुछ जुगाड़ हो रहा है, फिर से रेंज रोवर से बात हो रहा है, इधर उधर हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन तब तक हमने सोचा कि टेंट कैंपिंग किया जाए, इसलिए मैंने एक टेंट लिया है। ये कोर का 4 पर्सन स्ट्रेट वॉल टेंट है जो कि काफ़ी बड़ा है, मतलब उधर खड़ा भी हो सकते हैं। तो ये मैंने टेंट ले लिया, कुछ $100 में आया ये। स्लीपिंग बैग ले लिया, और गोगी जी के पास तो बाकी सब भी है, उन्होंने भी स्लीपिंग बैग लिया है। और अभी फ़िलहाल मैट का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, बाकी जो कुछ भी इंतज़ाम हम कर सकते हैं थे वो किया टेंट कैंपिंग के लिए। तो आज पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। इधर अभी टेम्परेचर हो रहा है, रात को 3-4 डिग्री तक जाता है, तो पहाड़ों में शायद 0 या सब 0 हो सकता है, तो पता नहीं है। मुझे तो मतलब मैं पूरा एक्साइटेड हूँ। गोगी जी थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि पहली बार वो कैंपिंग करेंगे। उनको कैंपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विंटर है, ठंडी में कैसा रहेगा क्या रहेगा ना, उसका थोड़ा सा हमको भी देखना है इधर। तो आज वही एक्सपीरियंस करने वाले। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गोगी जी, वो आएंगे, आने के बाद हम इधर से निकलते हैं, क्योंकि इधर से होके ही वो पहाड़ों में जाना है। सत श्री अकाल गोगी जी, कैसे हो? ठीक ठाक सर। आपका स्माइल का लोग फैन है सर। फैन? हाँ, लोगों नाराज हुए कि गोगी भाई क्यों इतना चुप चुप है। हाँ, लास्ट लास्ट वाला ब्लॉग में थोड़ा साइलेंट, मतलब दिमाग में कुछ अलग चल रहा था और आप किधर दूसरे जगह पे थे ऐसा लग रहा था वीडियो में। एनीवे चलो, आज वैसे भी थोड़ा नर्वस है क्योंकि पहली बार इधर कैंपिंग हो रहा है, मेरा तो यूएस में पहली बार और गोगी जी का शायद लाइफ में पहली बार, मेरा लाइफ में पहली बार, तो इसलिए मैंने कैंपिंग नहीं किया। जुगाड़ बहुत जबरदस्त है, आप देख सकते हो पीछे सामान ही सामान है। क्योंकि गोगी गोगी जी को कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पूरा जुगाड़ के साथ आए हैं। तो चलो सीधा मिलते हैं कैंप साइट पे। इधर से? हाँ, इधर से राइट। लास्ट टाइम गए थे ना यही वाला रूट पे गए थे। ये वही तो नहीं कहीं जो उधर हमने गाड़ी लगाई थी एक साइड पे से हो सकता है, हो सकता है, हाँ? हो सकता है। जब तक उधर तक नहीं पहुंचेंगे मालूम नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि वाटरफॉल तक लोग जाते होंगे, सब कैंपिंग के लिए आए रहेंगे, गारंटी थोड़ी ना है, देखते हैं। ये भयंकर भीड़ है भाई, इधर इतना सारा पार्किंग है कि डाउट है वो कोई कैंप साइट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, वापस जाना पड़ेगा। लेट्स सी। तो ये वाला जो टेंट लोकेशन है ना, कैंपिंग लोकेशन, इधर टेंट लगाते हैं, ये सबसे परफेक्ट रहेगा। बाई एनी चांस बारिश भी हुआ तो थोड़ा सेट है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटरप्रूफ टेंट है, तो इधर ही लगा लेते हैं। चलो सर,
आज तो फुल मजे आएंगे, फुल मजे आएंगे। जंगल में मंगल करने आ गए हम। आज हम भालू खाएंगे। भालू हम खाएंगे कि हम हमको भालू खाएगा पतन? या हम भालू खाएंगे आज या भालू हमें खाएगा, तो आपको सब रिकॉर्डिंग में मिलेगा। अगर भालू भी हमें खाएगा वो भी रिकॉर्डिंग में हो गया घर तैयार पूरा। जंगल में घर क्या सर जी? मजा आने वाला है जंगल में मंगल। इतना ठंड भी नहीं है मुझे लगता है। हमारे पास जो स्लीपिंग बैग है जो चीज़ है आई थिंक परफेक्ट होगा। हुडीज हैं, हुडी वगैरह है। अच्छा हाँ। तो ये है एयर बेड। कितना बड़ा होगा पता नहीं, खुलने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। 6.5 फीट लंबाई है। अच्छा। And 38 इंच वाइड है। तो दो तो नहीं आएंगे अंदर? दो आ जाएंगे ना। हाँ? 38 कितना होता है? 12? 2.5। 12? हाँ शायद आ जाएंगे। इतना तो दो आराम से आएंगे। ओके। सेट साइड। इसका इनलेट? यही है। किसको लगा देंगे? नहीं किसको अंदर डालें? कैसे साइड से? टेंट तो सेटअप हो गया, अभी खाना बनाते हैं। तो खाने में आज हो रहा है आलू मटर, सिंपल वेजिटेरियन बनाएंगे। और गोगी जी लगे पड़े हैं हमारा जो ये है उसको फुगाने में। बहुत टाइम लेता है यार वो, काफ़ी टाइम लेता है। ये हमने क्या बोलते हैं स्वीट पीस, ये वाला कैन ले लिया। ये सबसे बढ़िया रहता है, ईजी रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आलू मटर तो वैसे आसान है बनाना। भाई अगर नेचुरल स्ट्रीम है तो उसका भरपूर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? ये देखो पानी, सफिशिएंट पानी इधर पूरा क्रीक से आ रहा है, तो धोने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, खास करके वेजिटेबल। आलू वालू धो लेंगे इसमें। वैसे दो जन ऐसा रहते हैं ग्रुप में रहते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता ना। अभी गोगी जी उसमें लगे पड़े हैं, एक तो हमने फुगा दिया, दूसरा वाला बाकी है। भाई तो सर अचार भी लेके आए। अचार भी लेके आए हो? अरे सही है सर, आपका तो इंतज़ाम वैसे भी ज़बरदस्त ही रहता है। ये देखो अंडे सुबह के लिए, चावल तो प्रेशर कुकर में डाल देंगे, ऑल सेट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसके बाद गाना नहीं आता है। इसको चालू करो। किसको? ये अपना इससे लगाओ इसको, गाना इसको कनेक्ट करो। ब्लूटूथ? गाना किधर है? ब्लूटूथ से आपके फ़ोन में इंटरनेट तो आता नहीं है, गाना कहाँ चलाओगे? इधर तो इंटरनेट नहीं है, कोई भी इधर सुविधा नहीं है, नेटवर्क से पूरा डिस्कनेक्टेड है, इसलिए वही चीज़ हमको चाहिए, नो नेटवर्क। तो हम ही हमें बस, ना नेटवर्क है ना कुछ है इधर। अरे ये गर्म हो गया, गर्म हो गया भाई गर्म।
वाओ, दिस लुक्स कोजी, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, कंफर्टेबल पूरा होने वाला है, देख के ही लगता है। लेट्स सी, ठंडी अभी लग रहा है और लगभग 1 डिग्री तक या 0 डिग्री तक आ जाता है टेम्परेचर, क्योंकि सिटी के अंदर तो 4 डिग्री 3 डिग्री आता है, तो रात को इधर पहाड़ी इलाका है तो जंगल के अंदर तो होगा ही होगा ठंड। अरे सर, इसका ना दूसरा नहीं चल तो रहा है अभी तक। एनीवे, हमारे पास 3-4 है स्टॉक। भाई गिर मत जा भाई। और इधर रेस्ट रूम है कैंप साइट में, तो टेंशन नहीं है। हाँ, साफ है ये रेस्ट रूम है, लेकिन रेस्ट रूम जो बोलते हैं ना, काइंड ऑफ कंपोस्टिंग टाइप। अंधेरा हो चुका है इसलिए अभी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोगी जी का बड़ा वाला जैकेट डाल दिया, डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। क्या बोल रहे हो? यस सर, मटर डाल दें? हाँ डाल देते हैं। कोई हमारा भाई उधर से अगर धनिया है तो हमें दे जाओ इधर आके। क्यों? वीजा का इंतजाम हम कर देंगे। तो हमारा आलू मटर हो गया तैयार, हमारे पास चपाती है जो कि गरम करके हम खा लेंगे। अंधेरा हो चुका है इसलिए, और ज़्यादा राइस वाइस ये सब प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठंड भी बढ़ गया है। यार मतलब झरने का आवाज़ बहने का और ठंडी ठंडी मौसम, अभी थोड़ा सा हाथ ना ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो रहा है। इसके लिए कब से तरस रहा था यार। कैंपिंग इज अल्टीमेट, नेचर के बीचों बीच। हाँ ये हमारा करेक्ट, ये देखो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इधर ना भालू का आतंक है, और फूड खास करके फूड रखने के लिए ऐसा बनाया गया है पूरा सिक्योर वाला, क्योंकि इसके बिना प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स को सुनाइए झरनों की आवाज़। वही मैं बोल रहा था ना, वही मैं बोल रहा था, थोड़ी देर कितनी अच्छी साउंड आ रही है। दिखेगा तो नहीं कुछ रात को, लेकिन साउंड बहुत बढ़िया आ रहा है। सर इसके लिए तो मैं तरस रहा था सर, कैंपिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, दिस इज अल्टीमेट। वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। यस एग्जैक्टली, बैठ के सुबह मैं तो 3-4 2-3 घंटे बैठूंगा और आराम से झरने की आवाज़ से मेडिटेट करूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। यस बहुत ही कोजी फील हो रहा है सर, इतना मतलब एयर बेड के साथ, ये टेंट भी काफी बड़ा है, खड़ा भी हो सकते हैं उसके अंदर। अमेजिंग, आगे से ना एक वैसे ही मैट लेके आना है इधर इधर डालने के लिए ये जगह पे। यस अरे सही है, ब्यूटीफुल। मजा ही मजा है सर, मजा ही मजा है। बातचीत करेंगे 2-3 घंटे फिर सोएंगे, जल्दी कोई कुछ नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब या आज रात को हमें भालू खाएगा या हम भालू, भालू का, भालू हमारा अचार डालेगा आज।
एक्चुअली वही प्रॉब्लम है ना इधर, ये थोड़ा बैर वाला लिया है, भालू का मतलब आतंक है, हर जगह बोर्ड है कि भालू का प्रॉब्लम है, इसलिए तो फूड को बाहर रख दिया, फूड अंदर रहेगा तो प्रॉब्लम है। तो बहुत कोजी फीलिंग हो रहा है, इतना ठंड तो नहीं लग रहा है नीचे अंदर? नहीं, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है यार, बहुत ही कंफर्टेबल है, ब्यूटीफुल। इसीलिए मैं सोचता हूँ आई डोंट नो इफ वी कैन बी एबल टू यूज दिस, स्लीपिंग में भी यूज नहीं कर पाएंगे, आई थिंक इट्स गोना बी टू हॉट। या एनीवे हम दोस्तों पूरा इंतजाम करके आए हैं, पिलो विलो लेके आए हैं अपने घर से, आपके लिए पेश है दोस्तों। मैं मुझे थोड़ा कभी कभी लिखने का ऐसा कीड़ा है कि मेरा कीड़ा कई बार लिखने का शौक भी करता है कि मैं एक डायरी है मेरे पास जिसमें मैं कुछ अपनी बातें लिख देता हूँ कि जो मेरे मन में आता है। तो उसमें से एक है जो मैंने पंजाबी में लिखा था, लेकिन अभी मैंने उसको हिंदी का अंदाज दिया है कि हम पीते रहे और तू हमें पीती रही, हम पीते रहे तू हमें पीती रही, लगे जख्म इश्क लगे जख्म दिल के तू सीती रही, हम मर गए तुझको पी पी के लेकिन तू हमें पी पी के भी जीती रही। वाह वाह वाह, तुझे पी के मर गए और तू हमें पी के जीती रही है। या 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 सर, आपको तो सिंगर के लाइन पे जाना था, गलत लाइन पे आ गए। भांड भांड की जिंदगी है वो। भांड कैसे दोस्तों, हु वांट्स टू एंजॉय सम गुड पैक विद मी। श्री भाई तो पी नहीं रहे, ये बोलते मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो हूँ पता नहीं सर नेचर। हम भी नेचर एंजॉय कर रहे हैं। बट हम नेचर एंजॉय कर रहे हैं, नेचर से ही बनी है ये, क्या हो? हाँ, वो भी है। जो और स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर, ये भी स्प्रिंग वाटर से ही बना है। सही है। राइस बन गया है, स्लीपिंग टाइम। सर अभी तो मैं 11 बजे उठूंगा, अभी मैं फिर सोने को जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट। कोई साउंड ही नहीं है। गुड नाइट। बाकी सब तो बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। 6:30 हुए, पता ही नहीं चला यार, इतना अच्छा नींद आया, इतना अच्छा नींद आया कि आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ। थोड़ा सा कांड हुआ रात में, लेकिन श्री भाई बताएंगे आपको कि एक्चुअली ना यार फिसल गया गोगी जी, हाँ गोगी जी इधर कोई पत्थर वत्थर पे ये करके गिरे, फिर मेरी चेस्ट पे चेस्ट वेस्ट पे लगा इधर लेफ्ट साइड, हाँ तो उनको थोड़ा उधर पेन हो रहा है, तो ये ना यही थोड़ा डरावना था कि यार रात को ऐसा कैंपिंग में ऐसा कुछ होता है ना तो डर लग जाता है क्या हो ना हो। इतना अच्छा साउंड है यार नेचर, और ओहो श्री भाई लव यू यार, बॉटम ऑफ माय हार्ट आई लव यू। इतना मजा नहीं मैंने कभी लाइफ में, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल को छोड़ो, मैं हम तो इधर ही रहेंगे बस। नहीं सर पहले देखते हैं वो क्या चीज है, क्या आपको मतलब ना वो ठीक होना बहुत जरूरी है। सर कल को देख लेंगे, पेन अभी हो गया तो ऐसा करते हैं कि आज भी इधर रहते हैं कल को चलते हैं कल। ये बताओ, ये देखो इनका अभी नेचर में साउंड मजा आ रहा है तो बोलते हैं पेन पेन गया भाड़ में, बाद में देखते हैं। ये देखो अच्छा आप लोग जो पूछ रहे थे गोगी जी का चैनल, गोगी जी का चैनल, तो गोगी जी का चैनल फिलहाल बन गया है लाइफ ऑफ गोगी। आप YouTube में जाइए, ये देखिए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, उनका पर्सपेक्टिव में भी वीडियो बनेगा, अभी डालते रहेंगे। तो चैनल तो सर 10 साल पहले ही बन गया था। हाँ, वो आपने मुझे बताया कि चैनल तो आपका बना हुआ है। हाँ, लेकिन आपने कभी उसको नेम चेंज किया, हमने बस नेम चेंज किया। हाँ। हाँ,
तो उधर जाके देखिए उनका भी कैसा, मतलब वो पहला शायद वीडियो रहेगा उनका उधर, तो उधर भी आता रहेगा वीडियो। और मेरा इंस्टा फिर से बता दूं सभी को, गोगीज ग्राम, GOGGYSGRAM, गोगीज ग्राम पे जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टा पे भी वीडियोस आते हैं, बबन भी बहुत वीडियोस डालता है अपना, मैं भी डालता हूँ, पिक्चर्स डालते हैं, फॉलो कीजिए। आपके प्यार के लिए ही हम ये सब करते हैं, और श्री भाई ने हमें दिखाया है, और श्री भाई के साथ ही रहेंगे, श्री भाई को नहीं छोड़ना। अगर श्री भाई को छोड़ दिया तो मैं चैनल भी बंद कर दूंगा अपना। सर आपका ये प्यार है बस। नहीं सर सीरियसली, अगर जिस दिन आपको छोड़ दिया उस दिन चैनल भी बंद कर दूंगा। क्या सही टेंट था यार, रियली पूरा रूम जैसा कंफर्ट, मजा आ गया एकदम बढ़िया। अभी तो धूप पूरा ठंड है, फिर भी जो धूप लग रहा है ना सुबह का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह लोग आ गए हाइकिंग पे। वैसे कितना टाइम हो गया, 9-10 बज गया रहे थे? नहीं, 9 o'clock. और मैं ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो मैं 8 बजे तक सोता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, आज देखो 8 बजे तक मैं सोया था। रात को 12 बजे हम सोए रहेंगे, 8 बजे तक उठ गए। रात को मेरा मन हो गया कि भैया चावल बनाओ, ये बोलते चावल नहीं बनाने, ये 10 बजे चावल बना। क्या बोले बताओ, बोलते मुझे भी चावल खाना है। तो अंदर है मैं, फिर प्रेशर कुकर में चावल चढ़ाया, चावल वाल बनाया, रोटी को गरम किया, वो सब करके फिर मैं एक शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा तो एक कैमरा का बैटरी डाउन था, और इंस्टा 360 में ना वीडियो का क्वालिटी लो लाइट में इतना ज़्यादा आता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाया। वो जो लास्ट को हम खाना खाए ये सब थोड़ा बहुत क्लिप मिस हो गया। इट्स ओके, वी एंजॉयड अ लॉट। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर निकलेंगे इधर से। पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस यूएस में, और बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही मज़ा आया, और टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। फिर से ऐसा कैंपिंग करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग के साथ साथ आप लोग भी एक वर्चुअल कैंपिंग एक्सपीरियंस लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।